हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल PYQ ऑनलाइन में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी रीवा मध्य प्रदेश के सारे ही कोर्सेज के पुराने साल के क्वेश्चन पेपर कहां से डाउनलोड करें। इसके पहले मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताता हूँ जहाँ पे इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ और सारे ही स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के नोट्स और पुराने साल के क्वेश्चन पेपर उपलब्ध है। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम या कोई सा भी वेब ब्राउजर ओपन कर लेना है। फिर उसके एड्रेस बार में आपको सर्च करना है pyqonline.com, फिर एंटर करना है। फिर आप देख सकते हैं एक पेज ओपन होगा जिसमें स्कूल के बोर्ड वाइज लिस्ट, जैसे कि CBSE, ICSE, MP, UP और सारे ही स्टेट बोर्ड के यूनिवर्सिटीज के सारे ही यूनिवर्सिटीज वाइज, अगर आपको स्टेट वाइज सेलेक्ट करना है तो उसका भी ऑप्शन है। जैसे कि अगर आपको आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, जैसे कि हम हरियाणा स्टेट का देखते हैं, इस पे क्लिक करते हैं तो इस हरियाणा स्टेट में जितनी भी यूनिवर्सिटीज है सारी ही आ जाएंगी। उसमें से आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है, फिर आपके पास उस यूनिवर्सिटी की साइट खुल जाएगी। फिर उसके बाद आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना है, जैसे कि आपका BSc कोर्स है तो हम BSc पे चलते हैं। फिर आपको अपना सेमेस्टर चूज करना है, जैसे कि थर्ड सेमेस्टर चूज करते हैं। फिर आपको उस सेमेस्टर के सारे ही सब्जेक्ट के सारे ही साल के क्वेश्चन पेपर दिए रहेंगे। फिर आपको अपना साल और सब्जेक्ट चूज करके उस लिंक पे क्लिक करना है। फिर आप के सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको ये डाउनलोड लिंक पे क्लिक करना है तो आपका क्वेश्चन पेपर खुल जाएगा। फिर इसको सेव करने के लिए आपको इस डाउनलोड आइकन पे क्लिक करना है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी रीवा मध्य प्रदेश के पुराने साल के क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम या कोई सा भी वेब ब्राउजर ओपन कर लेना है। फिर उसके एड्रेस बार में टाइप करना है apsuonline.com, फिर आपको सर्च करना है। फिर आपके सामने एक पेज ओपन होके आएगा जिसके लेफ्ट साइड में सारे ही कोर्सेज दिए रहेंगे। आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करके क्लिक करना है। फिर आपके सामने एक पेज ओपन होके आएगा जिसमें आपको अपना ईयर सेलेक्ट करना है, जैसे कि हम फर्स्ट ईयर सेलेक्ट करते हैं। फिर ऊपर जाके आपको आपका सेमेस्टर सेलेक्ट करना है, सपोज सेकंड सेमेस्टर। फिर आपको आपके सेमेस्टर के हिसाब से साल और सब्जेक्ट चुन के उस लिंक पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने एक और पेज ओपन होके आएगा जिसमें आपको इस डाउनलोड वाले लिंक पे क्लिक करना है। फिर आपका पेपर ओपन हो जाएगा। इसे डाउनलोड करने के लिए आपको इस डाउनलोड आइकन पे क्लिक करना है। चलिए हम एक और पेपर डाउनलोड करके देखते हैं। फिर से आपको उस पेज पे जाना है और आपको आपका कोर्स सेलेक्ट करना है। सपोज इस बार हम BA सेलेक्ट करते हैं। फिर आपको आपका ईयर सेलेक्ट करना है। फिर ऊपर आके आपको आपका सेमेस्टर सेलेक्ट करना है। फिर आपको आपके सेमेस्टर के हिसाब से साल और सब्जेक्ट चूज करके उस लिंक पे क्लिक करना है। फिर आपको इस डाउनलोड लिंक पे क्लिक करना है। फिर आपका पेपर ओपन हो जाएगा। इसे डाउनलोड करने के लिए आपको इस डाउनलोड आइकन पे क्लिक करना है। इस वेबसाइट से पैसा कमाने के लिए आप हमें 5 पेपर भेजें और ₹50 का पेटीएम या गूगल पे प्राप्त करें। आपको एडोब स्कैन मोबाइल ऐप से पेपर्स की पिक लेनी है और PDF बनाकर 9300930012 मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। अगर आपका पेपर इनकी वेबसाइट पर नहीं होगा तो आपको 5 पेपर के ₹50 का पेटीएम या गूगल पे प्राप्त होगा।